पंचकर्मा लेक्चर सीरीज के फिफ्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। स्टार्टिंग के पांच पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन का, स्पेसिफिकेशन ऑफ द पंचकर्मा थिएटर एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्स एंड अग्नि परीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दो पॉइंट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ, स्वागत है आपका आर मेडिकल क्लासेस में। छठा पॉइंट हो जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ द पंचकर्मा थिएटर एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स। तो इसमें देखिए क्या है कि पंचकर्मा थिएटर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, कितने रूम्स होने चाहिए, और दूसरा क्या है कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप वहाँ पे यूज करेंगे। तो इनके बारे में अब हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्रीटमेंट रूम कितने होने चाहिए। तो स्नेहन के दो कक्ष होंगे मेल और फीमेल के लिए, इसी के साथ स्वेदन के भी दो कक्ष होंगे मेल फीमेल के लिए, सिरोधारा के दो कक्ष होंगे, और वमना के दो कक्ष होंगे, विरेचन के भी दो कक्ष, और बस्ती के दो कक्ष होंगे मेल फीमेल के लिए, और रक्तमोक्षणा जलोकावचरणा अग्निकर्मा इस तरह से एक कक्ष इनके लिए भी हो जाता है। और पंचकर्मा जो थेरेपिस्ट है उसके लिए एक रूम हो जाता है अलग से, और जितने भी ये रूम है उसमें टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे अटैच रहेगा। तो ये होती है एक कॉमन आपका कि ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पंचकर्मा थिएटर में। नेक्स्ट आता है इसी के साथ आपका यहाँ पे फिजियोथेरेपी रूम होना चाहिए, और वेटिंग स्पेस होना चाहिए, पेशेंट कहाँ पे बैठ के वेट करेगा आपका, और स्टाफ रूम होना चाहिए। साथ में क्या होगा मेल फीमेल का टॉयलेट यहाँ पे कॉमन यूज़ के लिए, ठीक। और उसी के साथ यहाँ पे मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए किचन अलग से होना चाहिए, और सभी रूम का साइज यहाँ पे 10x10 होना चाहिए, यानी 10x10 होना चाहिए, ऐसा आपकी बुक में मेंशन है। और नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप रखेंगे। तो सबसे पहला आता है द्रोणी टेबल। तो द्रोणी टेबल जो है या तो वो लकड़ी की हो या फाइबर की हो वो होनी चाहिए, इस पे पेशेंट लेटेगा तभी आप अभ्यंग और यहाँ पे सिरोधारा जो भी है कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी का स्टैंड होना चाहिए जिसकी जो हाइट है करीब 2.5 फीट होना चाहिए, ठीक। और स्वेदन चैम्बर होना चाहिए यहाँ पे, और इसी के साथ नाड़ी स्वेदन यंत्र, फुट स्टूल आर्म चेयर होनी चाहिए, हीटिंग फैसिलिटीज़ और ये चीज़ें, और सिरोधारा स्टैंड होना चाहिए, टेबल होने चाहिए, बस्ती यंत्र होना चाहिए, उत्तर बस्ती यंत्र मेल फीमेल के लिए अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो इनके इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एग्ज़ाम में डिट्टो आप यही लिखेंगे बिल्कुल। उसके साथ यहाँ पे बेड पेन होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए, अगर वो बेड पे है कोई पेशेंट बेड पे है और वो क्या है कि वो टॉयलेट के लिए नहीं जा पा रहा, तो बेड पेन है जो हेल्प करेगा टॉयलेट को वहाँ पे इकट्ठा करने में। तो यहाँ पे वमना पात्र या फिर टेबल, ठीक है, ये होनी चाहिए, किडनी ट्रेज होनी चाहिए, और रक्तमोक्षणा किट, स्टेथोस्कोप, और यहाँ पे थर्मामीटर वगैरह, हॉट वाटर बाथ वगैरह, प्रेशर कुकर, ये सब नाइफ सीजर्स, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही कॉमन सी होती है ये तो होनी चाहिए कि वेंटिलेशन के लिए कोई स्पेस हो, स्टेरिलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जब आप एक पंचकर्मा थिएटर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा जो कि है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कोष्ठान अग्नि परीक्षा। तो अग्नि और कोष्ठ की परीक्षा का क्या महत्व होता है सबसे पहले जान लेते हैं अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा में आचार्य चरक ने कहा है कि इसे दो भागों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहला होता है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं, पहला होता है अभ्यावरण शक्ति, तो अभ्यावरण शक्ति होगा। दूसरा होता है जरणा शक्ति, ठीक, तो कैपेसिटी ऑफ इनटेक एंड डाइजेशन कैपेसिटी, यानी आप कितना खा रहे हैं, और दूसरा होता है कि कितना वो आपकी जो अग्नि है वो बचा पा रही है, ठीक है। इसमें भी होता है कि अवर मध्यम
और प्रवर, ठीक, ये होता है अव्यवहरण और जनन शक्ति, जो दो बताया है अग्नि परीक्षा, तो उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, अग्नि परीक्षा करते हैं इन दोनों के अनुसार ही, ठीक है। अव्यवहरण शक्ति और जनन शक्ति आपकी कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही आप अग्नि परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि अग्नि परीक्षा की क्या महत्वता है। तो अगर आपकी अल्प अग्नि है तो उस दौरान कोई भी काम आप नहीं करेंगे, निषेध है, ठीक। अग्नि परीक्षा के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, स्नेह की मात्रा का निर्धारण करते हैं कि कितना आपको घी तेल वगैरह पिलाना है, लेना है, क्या है। उसके बाद विरेचन कितना देना है उसकी मात्रा का निर्धारण होगा। बस्ती द्रव्य कितना किस हिसाब से बनाएं वो भी क्या है, आपकी अग्नि के ऊपर ही डिपेंड करता है। और संसर्जन कर्म का निर्णय भी क्या होगा, कब होगा, जब आपकी पहले अग्नि परीक्षा होगी उसके बाद वो उसी पे डिपेंड करता है, संसर्जन कर्म आपको कितना कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि कोष्ट, तो सबसे पहले कोष्ट यानी एब्डोमन पार्ट आपका, तो ये जो होता है ये तीन प्रकार से हो सकता है, एक क्रूर, मध्यम और मृदु। तो ये क्रूर, मध्यम और मृदु तीन तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले जो मृदु कोष्ठ होते हैं उसके लक्षण जान लीजिए, वो क्या होगा, इस तरह का जो पेशेंट होगा जिसका मृदु कोष्ठ होता है वो दिन में एक बार या दो बार मल का त्याग करता है और उसका जो मल होता है वो पतला होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दिन में क्या करेगा, एक बार या फिर दो बार मल का त्याग करेगा, उसका मल क्या होगा, पतला होगा और आसानी से उसका मल त्याग हो जाता है। मल त्याग में कम समय लगता है और मल त्याग के पश्चात उसको संतोष भी हो जाता है। अगर वो गर्म जल पी लेता है, शीरा यानी दूध पी लेता है, मांस रस या कांजी, तो इससे उसकी मल प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर मध्यम कोष्ठ है तो दिन में एक बार वो मल का त्याग करता है, सुसहत मल का त्याग करता है। मृदु कोष्ठ की तुलना में उसको अधिक समय लगता है अगर मध्यम कोष्ठ वाला पर्सन है तो, ठीक। अब आते हैं अगर क्रूर कोष्ठ है तो उसके क्या लक्षण दिखेंगे, वो प्रतिदिन मल का त्याग नहीं कर पाता, थोड़ा कठिनाई से और सूखा हुआ सा मल का त्याग करता है वो, ठीक है, और उसको अधिक समय लगता है मल त्याग करने में, लेकिन उसको संतोष नहीं होता मल त्याग करने के बाद भी, ठीक है। तो ये होते हैं तीनों के लक्षण। अब हम बात करेंगे कि जब हम इन कोष्ठ का निर्धारण कर लेते हैं कि कौन सा कोष्ठ है, तो तब हम कि ये निर्धारण के बाद ये पंचकर्म में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो जब हम स्नेहन कर्म करते हैं तो उसमें बताया गया है कि अगर आपका मृदु, मध्यम या क्रूर कोष्ठ है तो उसमें कर्म से 3, 5 और 7 दिन तक स्नेहन कराएं। अगर मृदु है तो 3 दिन, मध्यम है तो 5 दिन स्नेहन और अगर क्रूर कोष्ठ है तो 7 दिन स्नेहन कराना चाहिए। लेकिन दलहन के अनुसार अगर आप याद कर सकें तो मृदु, मृदु तरा मृदुतम, तो इस तरह से 3, 2, 1 ये कहा है उन्होंने कि इतने दिन हमको क्या कराना चाहिए, स्नेहपान कराना चाहिए। नेक्स्ट मध्यम कोष्ठ के लिए बताया है कि 4, 5 और 6 दिन, ऐसे ही क्रूर कोष्ठ के लिए बताया है 7, 8 और 9 दिन, ठीक है। तो इस तरह से दलहन ने बताया है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप वमन कर्म कराते हैं तो मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ में कर्म से क्या देंगे, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण द्रव्यों से वमन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है विरेचन, तो विरेचन में वमन के समान ही विरेचन द्रव्यों का प्रयोग कोष्ठ के अनुसार करना चाहिए। विरेचन में भी ठीक ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, तो कोष्ठ की परीक्षा डिपेंड करती है, देख कि पंचकर्म चिकित्सा में इसका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कोष्ठ की परीक्षा का, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमको कि किसको कैसा वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि स्नेहन कर्म भी उसका कैसे हम कराएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि इस परीक्षा के न करने पर बहुत सारे उपद्रव यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये परीक्षा हमें करनी चाहिए, ठीक है, ये एग्जामिनेशन पहले ही कर लेनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू, जय आयुर्वेदा।